अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद नदीम, नदीम ब्रदर ऑटो इंजीनियरिंग से, बरकी रोड लाहौर से, पाकिस्तान से। आज हम ये जो एनटी 855 है इसका एल्पम चेक करने लगे हैं। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि जो एल्पम के गियर है, ये वाले जो गियर हैं, इन गियरों की कंडीशन क्या है। ये सबसे पहले हम टीथों को देखेंगे, टीथ उड़े हुए तो नहीं है, टीथ साफ है, जैसे कि आप देख रहे हैं टीथ कटे हुए नहीं है। और बॉडी को भी अंदर से चेक करेंगे, बॉडी अंदर से कटी हुई तो नहीं है, बॉडी में कोई लाइन तो नहीं पड़ी हुई। ये सबसे पहले ये काम हम करेंगे। उसके बाद हम कागज़ जो है, ये जो कागज़ है हमारा अखबार न्यूज़पेपर, ये 2002 का है, हम न्यूज़पेपर इस साइड पे रखेंगे और इधर भी रखेंगे, दूसरी साइड पे भी रखो जी। ये एक न्यूज़पेपर हम इस साइड पे रखेंगे गियर के, और दूसरा न्यूज़पेपर इस साइड पे, और ये एक बार ले लेंगे या ब्याप का टूल लेके, जैसे ये हमने रखा है, ये इधर भी रख लिया और इधर भी रख लिया, दोनों साइडों को दबाएंगे। अब गियर को फेरे, ज़रा पीछे कर लो, ये देखो दबा के रखो, ये देखें जी हम इन गियरों को फेर रहे हैं, तो गियर बासानी फेर रहे हैं। अब यही न्यूज़पेपर हम इधर भी ले आएंगे, इधर दबाएंगे, और अब इसको गियर को फेरेंगे, ये देखें गियर फिर रहा। अब ये न्यूज़पेपर इधर पड़े रहेंगे और इधर ये दबा के रखें, दबा के रखें, और ये देखें ये फिर रहे हैं, तकरीबन ये छू रहा है साथ, यानी कि ये जो गियर है, अगर हम ये न्यूज़पेपर निकाल देते हैं, ये वाले ये न्यूज़पेपर हम निकाल देते हैं, तो ये ऐसे गियर को दबा के रखें, दबाएं ज़रा फेरें, देखें गियर जाम हो गया, ठीक है। जबकि दूसरा भी चेक करें, ये भी देखें ये गियर जाम हो गया। इसका मतलब क्या है कि गियरों में जो क्लीयरेंस है वो फेस से नीचे नहीं है बल्कि फेस से ऊपर है। अब हमें इस पे एक जैन डालना पड़ेगा और देखेंगे कंपनी ने इसमें कौन सा वाला जैन डाला है। कंपनी ने इसमें ये जैन डाला था, ये जैन के हमने मेजरमेंट की है, ये जैन जो है ना माइक्रोमीटर से मेजर किया, ये 11,000 के करीब है, जबकि ये जो किट में से निकला है ये भी 11,000 से 12,000 के करीब है। अभी मैं आपको चेक करवाता हूं, ये देखें ये 12,000 पे है, बंद कर, देखें जैन 12,000 का है, और एल्पम की जो ग्रारियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2,000 से 3,000 ऊपर हैं, 2,000 से 3,000 ऊपर हैं। अगर 12,000 का जैन है, इसमें से 3,000 माइनस कर दें, तो ग्रारियों के फेस पे जो क्लीयरेंस है वो 9,000 बन रही है, जबकि इसके मीनों की क्लीयरेंस 4,000 है, बिगनों की क्लीयरेंस 4,000 है, केम की क्लीयरेंस 3,000 है। तो अब एल्पम की क्लीयरेंस हम 9,000 जब रखेंगे तो तेल गर्म होके पतला होगा और ये प्रेशर डाउन करेगा। इसका हल ये हम इसमें ओरिजिनल जैन नहीं डालेंगे बल्कि इसमें हमने ये एक जैन बनाया है, इसकी भी मोटाई मैं आपको चेक करवाता हूं जी। ये देखें ये हमने एक जैन बनाया और इसकी जो मोटाई है ये 7,000 है, 7, अगर 3,000 इसमें रह भी जाए, 3,000 इसमें से हम माइनस कर देते तो इसकी किट में जो क्लीयरेंस है वो बाकी, इसमें 7,000 वाला जैन हमने खुद से बनाया है और बना के ये फिट करने लगे हैं। अब इसमें किट की जो क्लीयरेंस है वो 4,000 रह जाएगी, तो ये एल्पम गरम तेल जब हो जाएगा, पतला हो जाएगा, तब भी इसका प्रेशर बेहतर रखेगा। और हमारी ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आए कि जो हम ओरिजिनल जैन की बजाय खुद से जैन बना के डाल रहे हैं और इसकी क्लीयरेंस को कंट्रोल कर रहे हैं, अगर आपको हमारा ये तरीका पसंद है तो आप हमारे YouTube के चैनल को नदीम ब्रदर ऑटो इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और फेसबुक पे भी हमारा चैनल है वो भी NBAE के नाम पे है, उसको भी लाइक करें। इलम फलाना सदका जारिया है, इस इलम फलाने में आप नदीम ब्रदर ऑटो इंजीनियरिंग का साथ दें। अल्लाह हाफिज। हमारा अदारा नदीम ब्रदर ऑटो इंजीनियरिंग बहुत सालों से बच्चों को काम सिखा रहा है और माशाल्लाह से हमारे अदारे से सीखे हुए
बच्चे आज पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर लाखों रुपया कमा रहे हैं। जो पाकिस्तान से बाहर हैं वो मेरे स्टूडेंट माशाल्लाह कई कई लाख रुपया पर मंथ कमा रहे हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि हमारे इलम को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाया जाए। जिस किसी का अजीज़ रिश्तेदार दोस्त कोई बच्चा काम सीखना चाहता है, वो गरीब है, मुस्तहिक है, तो उन बच्चों को काइंडली हमें रेफ़र करें ताकि हम उन बच्चों को काम सिखाएं। और इनमें बच्चों को हम महाना वजीफ़ा भी देते हैं, राइश भी देते हैं, खाना भी देते हैं। और हमारी अल्लाह करीम इस कोशिश को कबूल फरमाए और आप इस भी कार्य खैर में हिस्सा डालें। आप किस तरह हिस्सा डालेंगे? आप ऐसे लोगों को जो बच्चे काम सीखना चाहते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ वर्कशॉपों में बच्चे काम करते हैं, इंजीनियरिंग करके निकलते हैं, लेकिन उनको काम करने की स्किल नहीं होती, तो ऐसे बच्चों को हमें रेफ़र करें जो काम सीखना चाहते हैं और ज़िंदगी में आगे निकलना चाहते हैं। वो हमारे अदारे को ज्वाइन करें और हमसे तजर्बा सीखें और अपने लिए और अपने वालदेन के लिए इस इलम को सीखें और हमारे लिए भी वो बेहतरी का बायस बनेंगे इस दुनिया में भी और आखरत में भी। अल्लाह हाफिज़।